Assalamualaikum, welcome back to the new vlog. I hope you all are doing well. Welcome है आपका एक brand new vlog में. तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे, ठीक होंगे. ये पीछे ना मेरे घर वालों को कुछ मसला हो रहा है, मैं दिखाती हूँ क्या हो रहा है. जी ये अब शर्म नहीं आती है यार हमें. क्यों ये देखें, मैं जरा नीचे से दिखाऊँ यार. नीचे भी टॉवल है. हो रहा है यार आपको? कुछ नहीं, नहीं ये कुछ तो अयान का. मैं आप सबको एक टॉप सीक्रेट बताती हूँ. अयान जो है ना वो मुझे कपड़े पहनाते हैं. गई थी हम लोगों को आपको बताना नहीं चाहती थी. चेन देखो, चेन दोन मैंने कहा अयान मैंने ना आज आपको कपड़े नहीं पहनाने. मैं पहनूंगा, मुझे खुद आपको पहनने ही नहीं आते. अयान सिर्फ मुझसे कपड़े पहनते हैं. यार आज मैं कपड़े नहीं बनाने. कपड़े तो दे देना. कौन से कपड़े दे दूँ? देने भी नहीं है. अच्छा देती हूँ, रुक जा देती हूँ. अभी जरा मुझे कंघी करने लगी है और अभी देखिएगा ये कितना एटीट्यूड से करेंगी. एटीट्यूड से? एटीट्यूड कब से कर रही हूँ मैं? एटीट्यूड से नीचे करो फिर ऊपर करो. क्या बाल? आओ मैं बनाऊ. अयान के बाल भी मैं ही बनाती हूँ. मैं बनाता हूँ बाल तो. अयान आप झूठ क्यों बोल रहे हो? जब कहीं जाना होता तो आपके बाल कौन बनाता है? मैं. उफ अल्लाह झूठे. चलो जब तक अयान जो है अपने बाल बना रहा है तब तक मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आज अपने पेरेंट्स की वेडिंग मूवी, जो कि मैं आज रिएक्ट देने वाली हूँ उस मूवी पे. देखते हैं कि पहले जमाने की शादियाँ कैसी होती थी. चलो अयान टीवी ऑन करो. ओके तो ये रहा एंट्रो अयान मामा की शादी जो है, आई मीन मामा की कह रही हूँ, मामा और पापा की शादी 2002 में हुई थी और अब है 2023. तो अब हम रिएक्ट देने वाले हैं उनकी मूवी पे. ओके तो ये जिसे आप देख रहे हैं लड़के को, ये मेरे पापा हैं और ये जो है ये मेरी मामा है. यहाँ पे मामा की एज सिर्फ और सिर्फ 18 ईयर्स थी. मामा 18 ईयर्स की थी और पापा जो थे वो 19 ईयर्स के थे. मतलब तो इतनी छोटी एज में शादी. ओ माई गॉड हसीन कपल. अयान बताएं आपको कैसा लग रहा है देख के? अच्छा. कितना अच्छा. हाँ वो देखिए रूबा. अरे मैं देख रही थी कि मामा और पापा कितने प्यारे थे, मतलब कितने यंग थे, मतलब छोटी एज थी प्यारे. तो अभी भी वो दोनों बहुत हैं, लेकिन पहले मामा बहुत ज़्यादा स्मार्ट थी. स्मार्ट के साथ साथ मामा की शादी भी जो है वो छोटी एज में थी. तो अब उस टाइम से और आपको देखे तो मामा बिल्कुल चेंज लगती है. चेंज तो पापा भी लगते हैं. ओके सो मेरे फादर का नाम जो है वो सुहेल है, आप सबको पता ही होगा. और मामा का नाम मेरी है ताहिरा नाम है. ओके तो ये जिन्हें आप देख रहे हैं ये है मेरे ग्रैंडफादर, मेरे पापा के पापा हैं ये. आगे करो यान. तो ये जिन्हें आप देख रहे हैं ये है मेरी ग्रैंड मदर, मतलब कि ये मेरी दादो हुआ करती थी. लेकिन वो आज भी है, वो हमारे दिलों में ज़रूर है, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं है. वो अलग बात है. अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए. सो ये मेरी ग्रैंड मदर थी. पुराने ज़रा फिल्मों का प्रिंट ऐसा ही होता है, तो आप एडजस्ट कर लेना. तो ये मेबी मायो है उनका, ये मायो की वीडियो शायद अभी हम देख रहे हैं. और ये सब कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पे, मुझे खुद नहीं पता ये क्या कुछ है. ये मेबी गजरे पड़े हुए हैं शायद. तो ये सब जो है फैमिली बैठ के यहाँ पे ढोलकी वगैरह बजा रही है. इनमें से कितने लोग हैं जिन्हें मैं नहीं जानती हूँ, मुझे नहीं पता है वो कौन है. और सब यहाँ पे फैमिली बैठ के ढोलकी वगैरह बजा रही है. तो ये रही मेरी हसीन सी मामा. और मामा को यहाँ पे देखे और मामा अब टोटली चेंज. मतलब हिसाब लगाओ पहले मामा कितनी छोटी थी, मतलब कितनी छोटी है जो मामा की शादी हो गई. तो यहाँ पे सब शायद इनको उपटन वगैरह लगा रहे हैं क्योंकि ये मायों की वीडियो है. और ये शायद मामा को फ्लावर्स के साथ ज्वेलरी पहना रहे हैं, फ्लावर्स की ज्वेलरी जो होती है.
तो यहाँ पे जो है सब खड़े होकर डांस वगैरह कर रहे हैं, खुश हो रहे हैं सब पापा के मायों के, क्योंकि मामा का और पापा का जो मायों था वो सेपरेट हुआ था। एक दिन पहले मामा का हुआ था, फिर नेक्स्ट डे जो है वो पापा का, तो इनकी शादी काफी लंबी चली थी। तो इनकी जो मेहंदी भी है वो भी अलग हुई थी, एक दिन पहले पापा की हुई थी फिर नेक्स्ट डे मामा को हुई थी। तो इसी तरह मायों भी पहले मामा का हुआ था या पहले पापा का हुआ इतना मुझे नहीं पता, लेकिन सेपरेट हुआ था। सो हियर इज माई ब्यूटीफुल से फादर, जो कि पहले कितने ज्यादा स्मार्ट थे, और अब देखे, अब की पिक्चर देखे और यहाँ पे देखे तो कितने चेंज हैं। टाइम फ्लाई सो फास्ट। और यहाँ पे सब जो है मेरे चाचू वगैरह अंकल सब यहाँ पे डांस कर रहे हैं। ओके, तो अब है मामा की मेहंदी की बारी, जो उनकी मेहंदी हुई थी अब उसकी वीडियो दिखा रही। मैं सब छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा दिखा रही, नहीं तो सब दिखाऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो ये जो आप देख रहे हैं बैठी हुई हैं, ये मेरी मामा बैठी हुई हैं दुपट्टे वगैरह में। पता नहीं इतना ज़्यादा क्यों कवर किया हुआ है मामा, मैं मामा से पूछूंगी आपको इतना कवर क्यों किया हुआ था। और यहाँ पे बैठ के जो है सब ढोलकी वगैरह बजा रहे हैं और डांस वगैरह हो रहा है। ये रही मामा की बारात की वीडियो, से ये पापा और वो रही मामा। वो मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था, वो मेरी ग्रैंड मदर है, ये ग्रैंड फादर, और ये मेरे खुद के फादर। तो आज बारात का दिन है और सब जो है यहाँ पे डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं आज ही, मतलब उस टाइम पे। ये मामा की जो है बारात की लुक। और यहाँ पे मामा जो है अपने निकाह के दस्तखत सिग्नेचर कर रही हैं, और मामा के साइन आज भी ऐसे ही हैं। मामा की आंखों में थोड़े थोड़े आंसू आए और मामा रो रही है, और ये मेरे पापा के सिग्नेचर हो रहे हैं अभी। और ये आई डोंट नो, ये कपड़े वगैरह पता नहीं ये कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन अब ये मामा ही की, तो मैं मामा से पूछूंगी और मामा को बताऊंगी कि आज मैं आपकी मूवी देख रही थी शादी की। देखी तो वैसे मैंने पहले भी हुई है, लेकिन बहुत टाइम पहले देखी थी। ये आ चुकी हैं अब मामा। ओके, तो गाइस उसके बाद जो है मामा की रुखसती हो गई थी, उसके बाद मेरे पास आगे की वीडियो भी नहीं है, इस वजह से मैंने आपके साथ भी शेयर नहीं किया। सो लाइक पुराने ज़माने में, आई मीन 2002 की बात करनी होगी, मैं ये पुराना ज़माना बोला ना तो मामा ने घर आके मुझे चप्पेड़े मारी। मामा कहती कितना क्या पुराने का ज़माना था ज़ैनब, मामा को ना तंग करती है। मैं कहती पुराने ज़माने में मेरी मामा की जब शादी हुई थी तो ऐसे हुआ। मामा कहती किड्डी की पुरानी है मैं। तो अभी हम जाएंगे मामा को लेने के लिए, शायद पापा चले जाएं या आप ही चले जाएं, जहाँ भी मामा ने कॉल कर दी, तो हम फिर मामा को रिसीव करेंगे और फिर मैं आपको मामा से मिलवाऊंगी। ओके, तो गाइज अभी हम जा रहे हैं मामा को लेने के लिए, मैं जा रही हूँ सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए, नहीं तो जाके आप ही भी मामा को पिक कर सकती थी, लेकिन मैं कहा चलो कोई नहीं आज मैं आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ। वैसे मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था बाहर जाने को भी। ऐसे हैरान हो क्योंकि देख रही हो मुझे, हैरान हो रही हो काफी, क्योंकि मैं वीडियो बना रही थी व्लॉग, तो मैं आज जरा बता दे, हमने YouTube फैमिली के साथ शेयर करते हैं। खा लूं।
हाँ जी सही में मैंने आज मैंने बताया लोग अच्छा लोग झूठ बोलते हैं हम पहले मोटे थे हम इतने स्मार्ट हो गए मैं पहले इतनी स्मार्ट थी मामा इतनी मोटी हो गई रियल में मैं बता रही जी मैं रियल में स्मार्ट थी मोटी हो गई तो अभी इंशाल्लाह फिर स्मार्ट हो गई ओके तो अभी मामा बाहर आई हुई थी तो अब हमने मामा को भी पिक कर लिया है तो बताएं मामा आपका दिन कैसा गुजरा आज का बहुत अच्छा गुजरा मैं आई हूँ तो यान साहब कहने लगे कि मैंने बर्गर खाना है अभी इसको बर्गर खिलाएंगे कल इसको पराठा खिलाया था ये इसको घर का मेरे ख्याल से अपनी माँ का हाथ का बना हुआ खाना नहीं पसंद है मैं बता रही हूँ अभी आपको बताया था मैंने आपकी शादी की वीडियो आज YouTube फैमिली साथ शेयर करनी है हाँ तो लोग कहते हैं कि जी हम ना लोग झूठ बोलते वो एडिट करके ना तस्वीर कोई स्मार्ट लगा देता है कोई मोटा लगा देता है मामा पहले स्मार्ट थी अब उल्टा हो गया वो मोटा हो गया अपना मोटी पहले मैं स्मार्ट इतना ज्यादा की तरह थी बिल्कुल मेरी तरह लग रही थी मैं अभी वीडियो नहीं बनाई नहीं आपने पिछले भी लोग में डेढ़ साल पहले जब हम पाकिस्तान गए थे अलिश्मा ने मेरी शादी का लहंगा पहना था और आपका टाइट था वो थोड़ा देखा होगा आप लोगों ने मगर वो मुझे वो भी खुला था उस टाइम और आप ही को वो टाइट था ये हिसाब लगा ले तो यही हिसाब लगा ले कि मेरे बाद अलिश्मा को थोड़ा सा टाइट था ये सुन लें कि अलिश्मा मेरे शादी जब अलिश्मा की हो जाएगी वो मेरे से भी मोटी हो जाएगी एक और बात आपसे पूछनी है इतनी छोटी एज में शादी क्यों की मैं तो अब आप ही कभी आपके सामने तो आप तो 18 इयर्स की थी ना तो अब आपका मतलब है एक साल ऊपर हो गया तो आपकी हुई नहीं तब तुम्हारी बारी नहीं आई तो मामा मेरा ये मतलब नहीं है मैं कह रही हूँ बहुत छोटी आप वैसे भी जब अल्लाह ताला ने नसीब में लिखा हो ना तभी होता है तो ये मैं कह रही हूँ हाँ जी हमारे नसीब में पहले था हो गया अब उसका भी हम ढूंढ रहे हैं जब आज मिल जाए कल मिल जाए हम जल्दी जल्दी शादी कर देंगे अब नसीबों की बात वो यान साहब कहते हैं मेरे साथ कर दे आपके साथ कर दे कर दे चलो ठीक है पहले यान की कर देते हैं ठीक है कर दूं नहीं नहीं यान सबसे लास्ट पे होनी है सबसे एंड पे यान की सबसे एंड पे आया था सबसे एंड पे होएगी ना सबसे पहले तू बाकी होएगी जी नहीं अच्छा तो इसीलिए पूछ रही है कि आप ही की शादी हो जाए फिर दादा के बात नहीं यही होता है जब हमारी शादी नहीं थी हम तो रोते थे हम कह रहे थे हमने नहीं करानी है हमें भी नहीं करानी हम कब कह रहे हैं हमें करानी है हम लोग रोया करते थे कि नहीं अभी नहीं हमने करवानी है अभी बहुत देर पड़ी थी बहुत टाइम पड़ा हुआ मगर जब माँ बाप ने किया हमने कर दिया माशाल्लाह अब भी हम आए हैं बर्गर किंग पे यान क्या खाएंगे आप बर्गर तूबा तुम क्या खाओगी बर्गर खाओगे तो फिर मैं भी तूबा को ही खाऊंगी आज मैं पूरी रात जैनब की वजह से नहीं सो सकती थप्पड़ मारना इसका कहके तो लोग ना बरात मेहंदी पे ऐसे तैयार होते हैं जैसे बरात के दुल्हन रेडी हुई है मामा सब लोग ही होते हैं अब सब लोग तो होते हैं मगर नहीं फिर बरात पे ना वो रूप नहीं आता वो चेंजिंग नहीं आती फिर जब देखो ना तो मेहंदी पे भी वैसे बंदा लग रहा होता है बरात पे भी वैसे दूल्हे पे भी वैसे जब हमारी शादियां होती थी तो तब बिल्कुल ऐसे मुंह भी धोना या नहीं धोना वैसे आके बैठ जाना आप देख लेना मेरी मेहंदी और माइयों की ना ऐसे आके बस बैठ जाओ अब तो फुल मेकअप करो जी बिंदिया लगाओ ये करो सेट पहनो तो अब मैं जैनब से कह रही थी कि जैनब ने 3 महीने घर पे बैठ के वेली खाई है ना ये नहीं किया कि चले माँ इतने काम करती है मैं काम नहीं कराती खाना बनाना वो ये करती है ना बस सफाइयां वगैरह कर ली और रात के बर्तन धो लिए जैनब ने जी और ये नहीं किया कि अयान के मैं कपड़े थोड़े से प्रेस कर दूं इनके डैडी के मैं करती हूँ इनके डैडी कहते थे तो बाजार से करवा लिया मैं कहती नहीं रहने दे चले कोई बात नहीं मैं घर में कर देती हूँ जैनब ने इतना नहीं किया कि चले माँ को इतने काम होते हैं तो मैं अयान के 2-4 सूट ही प्रेस कर दूँ मैं अपने इतने मुश्किलों से करती हूँ मामा कह रही है अयान की मैं प्रेस कर दूँ बहुत हड खराब है जैनब खाने के लिए जैनब को दे दो बर्गर शोरमे पिज्जे तो खा लेगी बस घर का खाना ना दो गजब बेइज्जती है बस हो गया मामा व्लॉग की एंडिंग करो मैं आ रही हूँ तो हम माँ बाप से ज्यादा चाहते हैं जैनब तो ज्यादा एक्सपर्ट है मेरे एक्सपर्ट है यहाँ ने करनी है इसी व्लॉग के साथ हम ज्यादा चाहते हैं अच्छी लगे तो डिसलाइक करना अच्छी लगे तो डिसलाइक करना अच्छी लगे तो लाइक करना सब्सक्राइब करना शेयर करना हाँ जी इसको कहते हैं मामा एंडिंग का बाप बोलेंगे कुछ ओ आपको तो आपने उसको एक्सपर्ट किया मैं आप बोले ना अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें हमारा उल्टा सब्सक्राइबर बढ़े जाने 25 मैंने देखे लोगों के हो तो उनके इतने व्यूज आते हैं मगर जैनब के व्यूज को तो नजर ही लगी हुई है इसलिए मैं नहीं बनाती नजर इज वेरी रेयर ज्यादा चाहते हैं जैनब अब बर्गर खाने लगी है ओके अल्लाह हाफिज़